वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रबड़ यील्डिंग प्लांट्स के बारे में। जो पौधे रबड़ यील्ड करते हैं उनके बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इनमें हम यहाँ पे चार प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इंडियन रबर प्लांट जिसको फाइकस इलास्टिका बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कसावा या फिर सियारा रबड़ ट्री जिसको मैनीहोट ग्लेजियोवी बोला जाता है। एंड थर्ड वन है पनामा रबर ट्री जिसको बोला जाता है कास्टेला इलास्टिका। एंड फोर्थ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे पैरा रबर ट्री जिसको हैविया ब्रासिलियंसिस बोला जाता है। तो इन चार रबर ट्रीज के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट आता है यहाँ पे फाइकस इलास्टिका जो कि मोरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसको मलबेरी फैमिली भी बोला जाता है। और इसके अंदर जो प्लांट पार्ट यूज होगा यहाँ पे, ठीक है, इस प्लांट का, इस रबर ट्री का जो प्लांट पार्ट यहाँ पे यूज होता है वो यूज होता है इसका दूधिया लेटेक्स, यानी कि इसका मिल्की लेटेक्स। जो इसकी स्टेम है अगर इसको यहाँ पे कट लगाते हैं तो वहां से मिल्की लेटेक्स सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाता है। अब अगर हम यहाँ पे फाइकस इलास्टिका की बात करें तो ये एक सदाबहार पर्णपाती वृक्ष है जो उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल और उपोष्णकटिबंधीय यानी कि सब ट्रॉपिकल क्षेत्रों में पाया जाता है। पत्तियां छोटी होती है, अपोजिट होती है यानी विपरीत होती है और अल्टरनेट होती है। और इनकी जो पेटल्स होती, पंखुड़ियां होती है वो कम पाई जाती है। और इसके अलावा नर या मादा फूल इसके अंदर पाए जाते हैं। तने और तने से यहाँ पे दूधिया रस यानी मिल्की सैप या फिर लेटेक्स निकलता है। जैसे स्टेम के अंदर, तने के अंदर कट लगा दिया जाता है और यहाँ से क्या निकलता है, यहाँ से ये मिल्की सैप या फिर मिल्की लेटेक्स निकलता है जो कि रबड़ बनाने के लिए यूज किया जाता है। सेकेंड प्लांट यहाँ पे आता है कसावा या फिर सियारा रबर ट्री जिसको मनीहोट ग्लेजियोवी बोला जाता है। इसके अलावा इसको मनीहोट कार्टाजिनेसिस भी बोला जाता है। फैमिली यू फॉर्बेसी से बिलोंग करता है। इसको स्पर्स फैमिली भी बोला जाता है। और इसके अंदर भी पौधे का प्रयुक्त भाग है वो लेटेक्स है। इनमें यहाँ पे बेसिकली सबके अंदर मिल्की लेटेक्स या फिर लेटेक्स ही यहाँ पे जो प्लांट पार्ट है वो यूज होता है रबड़ बनाने के लिए। और ये जो एक पौधा होता है ये एक चमकदार झाड़ी होता है, यानी कि एक ये ग्लैबरस शर्ब होती है। इसका मीनिंग यहाँ पे क्या होता है कि ये इसका सरफेस बिल्कुल स्मूथ होता है, कोई हेयर्स यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं। तो ये एक तरह से चमकदार झाड़ी या फिर पेड़ होता है। पत्तियाँ गहरी होती है एंड पालमेटी पार्टाइट होती है, ठीक है, पालमेटी पार्टाइट ये लीव्स यहाँ पे पाए जाते हैं जो कि 3 से 5 लोब्ड होते हैं, ठीक है। ये जैसे कि यहाँ पे 3 से 5 लोब ये हो सकते हैं, इसके अलग अलग लोब हो सकते हैं। और ये भी लोब्स के अंदर पाई जाती है, इसके लोब्स होते हैं और फिर ये एक पूरा लोब के अंदर पाई जाती है जो मोटे तौर पर अंडाकार होती है। इन्फ्लोरेसेंस इसके अंदर पेनिकुलेट टाइप की इन्फ्लोरेसेंस पाई जाती है कि यहाँ पे कैसे पाई जाएगी, ऐसे इसके अंदर यहाँ पे ऐसे फ्लावर्स लगेंगे। तो इसके अंदर पेनिकुलेट टाइप की इन्फ्लोरेसेंस पाई जाएगी। जो इसके अंदर मेल फ्लावर है, नर फूल है, वो लगभग 7.9 मिलीमीटर लंबे होते हैं और जो फीमेल फ्लावर है, मादा फूल है, वो 0.8 to 1.4 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे सेकेंड रबड़ प्लांट के बारे में। थर्ड है यहाँ पे पनामा रबड़ का प्लांट। तो इसको कास्टेला इलास्टिका बोला जाता है जो कि फैमिली मोरेसी से बिलोंग करता है। इसके अंदर भी पौधे का प्रयुक्त भाग लेटेक्स ही होता है। मेक्सिको, मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के उत्तर पश्चिमी भागों के जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वहां के ये नेटिव होते हैं, ठीक है। पनामा रबड़ जो है वहां के नेटिव प्लांट होते हैं। पनामा प्लांट जो है, पनामा रबड़ ट्री, वो एक बहुत बड़ा वृक्ष होता है और इसके अंदर इसकी टहनियां, इसके पिटियों यानी पर्णवृत्त पत्तियां मिल्की लेटेक्स का स्त्राव करती है, मिल्की लेटेक्स उत्पन्न करती है। अब यहाँ पे क्या स्टोक्ड यहाँ पे एक तरह से बंचेस पाए जाते हैं, यानी कि गुच्छे पाए जाते हैं फूलों के जो कि 2 से 3 सेंटीमीटर के पार मौजूद होते हैं।
फूल फल जो है एक नारंगी रेड फ्लैसी सीड होता है, ठीक है, जो इसका फल होता है, फ्रूट होता है, एक ऑरेंज कलर का एक रेड फ्लैसी सीड होता है। सीड के साथ कई हरे सहपत्र यानी ब्रैक्ट्स की एक सपाट डिस्क, एक फ्लैट डिस्क ये बना लेता है, ठीक है, ऐसे एक डिस्क बना लेता है, और ये एक ऑरेंज टू रेड सीड्स इसके साथ, ब्रैक्ट्स के साथ यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये होता है यहाँ पे पनामा। नंबर फोर्थ प्लांट आता है यहाँ पे पैरा रबर ट्री, यानी कि हेविया ब्रासिलियंसिस। ये जो है यूफोर्बेसी फैमिली से बिलोंग करता है, जिसको स्पर्स फैमिली भी बोला जाता है। इसके अंदर भी मिल्की लेटेक्स जो प्लांट पार्ट है वो यूज होता है रबर बनाने के लिए। पौधे को आमतौर पर शोरिंगा ट्री या फिर सैरीगुइरा या फिर सबसे अधिक रबर ट्री या फिर रबर प्लांट इसको बोला जाता है। इसके तने से दूधिया लेटेक्स निकलता है और प्राकृतिक रबड़ का ये प्राथमिक स्रोत है। सबसे जो नेचुरल रबड़ होता है उसका ये प्राइमरी सोर्स होता है, ठीक है, पैरा रबड़ ट्री। ऐसे टाइप के इसके अंदर लीव्स पाए जाते हैं जो कि ऐसे तीन तीन के बंचेस में पाए जाएंगे, और ये यहाँ पे इसके कट लगा देते हैं तो इससे क्या निकलता है, यहाँ पे मिल्की लेटेक्स निकलता है। तो रबर ट्री के बारे में या फिर रबर यील्डिंग प्लांट्स के बारे में हमने यहाँ पे चार प्लांट्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। इंडियन रबर ट्री हो गया, इसके बाद नेक्स्ट था यहाँ पे कसावा या फिर सियारा रबर ट्री, एंड थर्ड यहाँ पे था पनामा रबर ट्री, एंड फोर्थ है यहाँ पे पैरा रबर ट्री। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर हेल्पफुल लगे हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।